मुक्ति प्रदाना यचश जना। सत्य काम अपने पंडितों के पैर में पड़ चुका अज्ञान है वहाँ घमंड है। पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे हे भगवान। जब आग ये कथा है पुरातन भारत की और ये है सत्यकाम। सरल सा बच्चा जिज्ञासा से भरा हुआ मन लेकर ये हर किसी को सवाल पूछता रहता है, पर कोई इसके सवाल का उत्तर नहीं देते, कोई इसको शिक्षा दान देने के लिए शिष्य बनाने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति के कारण अंदर से बहुत ही शुद्ध और अच्छे होने के बावजूद भी इसकी माँ एक नगर बधू है, यानी वेश्या है। परिस्थिति के कारण ही वो इस नगर की दासी है, इसलिए अपने अहंकार को बचाए रखते हुए कोई भी इसको शिक्षा नहीं देते, इसको दासी पुत्र कहकर नीचा दिखाते रहते हैं। चाचा जी धंधे के सर है। धंधा क्या बेटा, मेरा रोज का काम तो मछली बेचना है। आज जल्दी मछली खत्म हो गया, इसलिए थोड़ा साफ सफाई करूंगा एंड मस्त घर जाके सोऊंगा। और क्या चाचा जी, लोग कहते हैं कि मछली खाना पाप है, लेकिन साग में, फल में और सब्जी में, उसमें भी तो जीवन है, तो लेकिन सिर्फ मछली खाना क्यों पाप? अरे बेटा, हम तो ठहरे अनपढ़ गवार। हमने अपने पुरखों से और ऋषि मुनियों से ये सुना है कि ये जो प्रकृति है, इसमें अगर जिंदा रहना है तो किसी के एक जीवन को अपने अंदर संवारना पड़ेगा। तो इसमें आदर्श व्यक्ति वही है, आदर्श जीवन यापन आप उसी को कहेंगे जो जितने कम से कम प्राणी को नष्ट करके अपना जीवन व्यतीत करे। तो मुझे बेटा जरा ये बताओ, मछली खाने में ज्यादा जीवन नष्ट होता है या साग और फल खाने में? जाहिर सी बात है कि मछली में ही है, लेकिन मछलियां भी तो मर जाते, इंसान भी मर जाते। अगर वो मर जाते तो लौट कर क्यों नहीं आते, वो कहाँ जाते हैं? तेरे सवालों को तो तू जाने, बोलना जाने, मैं तो चला घर। ये तो रहे चाचा जी, सरल सा और अपनी मौज में मस्त आदमी, पर इन्हीं सवालों को लेकर, इसी तरह के सवालों को लेकर खुद के जिज्ञासा को शांत करने के लिए सत्यकाम बहुत सारे पंडितों, पुरोहितों और धर्म के ठेकेदार, धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हुए लोगों के पैर पड़ चुका है, पर इसे कोई भी अपने शिष्य नहीं बनाता। ठुकराते रहते हैं, इसे आहत करते रहते हैं, अपने अहंकार को तृप्त करते रहते हैं, इसे हमेशा कष्ट पहुंचाते रहते हैं। माँ, मुझे कोई अपना शिष्य क्यों नहीं बनाता? मैं कितने गुरुकुल जा चुका हूँ लेकिन कोई मुझे दाखिला नहीं देते। कितने पंडितों के पैर में पड़ चुका हूँ लेकिन कोई नहीं देता। मुझे हमेशा दासी पुत्र कहकर बुलाते हैं, ऐसा क्यों? मेरा प्रश्नों का उत्तर कौन देगा और मुझे शिक्षा कौन देगा? अंतर की वेदना और पीड़ा अपनी सीमा पार करने के बाद सत्यकाम एक दिन अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, फूट फूट कर रोता है। रो मत बेटे, तू जिनको पंडित कह रहा है वो पंडित कहाँ है? वो तो ढोंगी है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ घमंड कैसा, जहाँ घमंड है वहाँ ज्ञान कैसा। और रहा प्रश्न दासी पुत्र का, वो तो तुम हो ना बेटे, पर दासी पुत्र का विद्या के ऊपर अधिकार नहीं है ये कौन कहता है? अगर तुम्हारी अंदर की जिज्ञासा गहरी और सच्ची है तो पूरा अस्तित्व तुमको उत्तर देगा, कोई ना कोई जरूर होगा ही। काशी के महाराज नित्य अपने स्नान के बाद ये अपने इष्ट विश्वनाथ के सामने एकांत में ये प्रार्थना करते हैं मन ही मन कि हे महाकाल, हे शिव शंकर, हे शशिशेखर, अपने इस शाश्वत नगरी काशी पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे हे भगवान, ऐसे ही बनाए रखे हे देव शिखामणि। Gracias.
राजन जल्दी से पधारे, हमारे राज्य में आज महान बाग्मी प्रज्ञावान उन श्रेष्ठ ऋषि गौतम पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए हमें जाना है। परम सौभाग्य है हमारे, कितने बार बुलाने के बाद आज ऋषि गौतम ने हमारे राज्य में अपने चरण रखे। सभी को बता दीजिए और ध्यान रखें कि उनके आतिथ्य में रत्ती भर भी चूक ना हो। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। हे मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यो जराव्याधीषु परिकर्मदं शंभो कल्याणाय नमः। शंभवे च मयोपवे च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नमः। तीर्थ्याय च पूर्याय च नमः। पार्याय च वार्याय च नमः। प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः। आधार्याय च लाद्याय च नमः। शिष्याय च भेद्याय च नमः। शिखच्याय च प्रवाहाय आदिदेव महादेव हे दयानिधे नीलकंठ पार्वतीश हे कृपानिधे। नमस्ते तु विश्वेश्वर त्र्यंबकेश गंगाधर। नमस्ते तु विश्वेश्वर त्र्यंबकेश गंगाधर। नंदिकेश भालचंद्र हे पशुपते। आदिदेव महादेव हे दयानिधे नीलकंठ पार्वतीश हे कृपानिधे। शंभो शंभो। काशी में काशी महाराज के आतिथ्य को स्वीकार करते हुए ऋषि गौतम काशी में कुछ दिन ठहरे हुए थे। उसी समय जब सुबह सुबह वो अपनी नित्य कर्म ध्यान विधि के लिए गंगा के तट पर गए थे तो कुछ ऐसी घटना घटी। जब कृष्ण संकाशम कश्यपेयम महाद्विधि धन्तारी सर्व पापघ्नम प्रणतो शिवाकरम शंभो नमः शिवाय। उठो बेटे उठो। कौन हो बेटे तुम? तुम्हारा परिचय क्या है? गुरुदेव मैं हूँ काशी का रहने वाला, नदी के उस पर रहता हूँ। अच्छा, अच्छा। और मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। अच्छा। और आपको देखकर मैं बहुत बार लौट भी चुका हूँ। क्यों बेटे? मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं बहुत पंडितों पुरोहितों के पास जा चुका हूँ और उन्होंने मेरे को शिक्षा ग्रहण करने से इनकार कर लिया है, क्योंकि आप तो महान से महान ऋषि है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत साहस करके आपके पास आया हूँ। ऐसे डरो मत बच्चे, तुम्हारे आवाज निकल नहीं रहे हैं, शरीर कांप रहे हैं, शरीर में उष्मा है, ऐसे डरो मत। मैं उन पंडितों पुरोहितों में से नहीं हूँ जो धर्म के नाम पे व्यापार करते हैं, पर दुविधा तो एक है बेटे, मेरे शिष्य बनने के लिए अनिवार्य है कुल सम्रांत हो, संपन्न हो। तुम्हारा क्या कुल है, धन क्या है, तुम्हारा पिता का नाम क्या है बेटे? मेरे पिता के नाम तो नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं अपनी माँ के पास रहता हूँ तो मैं माँ को पूछ के आ सकता हूँ आपके पास। अच्छा ठीक है, तो बेटे नदी के उस पार जाकर तुम अपने माँ से अपने पिता जाति कुल और सम्रांतता के बारे में पूछ करो। तब तक मैं ध्यान तर्पण संध्या आदि सनातन विधियों को निपटा रहा हूँ। जी। जब अंतर की पीड़ा से तड़पता हुआ सत्यकाम मेरे पास आया था और सच जानने के लिए जीत कर बैठा था तो मुझे उसे सत्य बताना ही पड़ा। तब मैंने उसे कुछ इस तरह से बताया था, ठीक है आज मैं तुझे बता ही देती हूँ पर तू समझ नहीं पाएगा, जाकर ऋषि गौतम को बताना, वो समझ जाएंगे। उन्हें बताना मेरे माँ ने कहा वो एक नगर वधु है, अपने जीवन में उसने बहुत लोगों की सेवा किया है, इसीलिए मेरे असली पिताजी कौन है ये बताना उसके लिए संभव नहीं है। तुम्हारी माँ ने परिस्थिति में किसने नगर वधु का काम किया है? कोई अपराध नहीं, अंतर से शुद्ध आत्मा है।
तुम्हारे असली पिता का नाम उसके लिए शायद बताना संभव ना हो, पर तुम्हारी पिता की स्वभाव बताना क्या था, मैं तुम्हारे स्वभाव से अंदाज लगा। ऋषि गौतम के द्वारा सत्यकाम को शिष्यत्व की स्वीकृति प्रदान के बाद पंडित पुरोहित और धर्म के ठेकेदारों के बीच हलचल मच गई, क्योंकि उनकी अहंकार उनको सबसे प्यारी है और हमेशा से ऐसे करते आए हैं। जब भी कोई प्रतिभावान ऊपर उठता है तो ये नीचे खींचते हैं, क्योंकि ये इसीलिए ज्ञान की चर्चा नहीं करते हैं कि लोग जाने, समाज में ज्ञान की चर्चा हो, प्रसार हो। ये इसीलिए सिर्फ ज्ञान की चर्चा करते हैं कि ये दिखाना चाहते हैं कि हम जानते हैं, जब भी वो कुछ नहीं जानते। पर गौतम ऋषि के सामने कुछ नहीं चलता, इसीलिए पीछे चुगली चलती रही और महाराज के कानों तक खबर पहुंची। महाराज की भी साहस नहीं थे गौतम ऋषि को पूछने के लिए, पर विवश होकर लोगों के बातों में आकर महाराज ने आखिर गौतम ऋषि को पूछ ही लिया। काशी नगरी में आप सभी का अभिवादन, हमें अत्यंत आनंदित किया है। आज इस काशी से विदा लेने से पहले काशी विश्वनाथ का हमारा प्रणाम। देवेश्वर अपने शाश्वत नगरी काशी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। अवंती कहायां विहितावतारं मुक्ति प्रदाना यचश जनानां अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महाशुरेशम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् हे वाराणसीनाथवनाथनाथम् हे विश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये शम्भो शम्भो शम्भो। क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर, लोगों में बात हो रही है आपने एक दासी पुत्र को कैसे अपने शिष्यत्व में ग्रहण कर लिया। जरा उनसे भी पूछ लेना राजन, जिन लोगों ने तुम्हें यह बताया कि वो दासी का पुत्र है, वो सम्रांत नहीं है, संपन्न नहीं है। उन्हें कैसे पता कि वो सम्रांत नहीं है, उन्हें कैसे पता कि वो संपन्न नहीं है? क्या उन्हें उनके पिता का नाम पता है? आपको कैसे पता कि ये ही सम्रांत है? आपके पास कुछ जवाब है इसका? जब मेरे चरणों में आकर ये गिरकर शिष्यत्व की मांग किया था इसी ने, तो इसकी मुख पर जो सरलता, इसकी हृदय से उठती हुई जिज्ञासा, जिज्ञासा से भरा हुआ इसका मन, क्या पर्याप्त नहीं है राजन? मैं इन बेकार की लोगों की, इन तुच्छ लोगों की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी भी सोच यही है, क्या काशी महाराज की भी सोच यही है? तो हम साधारण लोगों से क्या अपेक्षाएं करें महाराजन? जब इससे मैंने भेजा नदी पार, ये देर तक गया, ये सरल सा बच्चा अपनी माँ को पूछ के आकर मुझे झूठ भी बता सकता था। क्या मैं इसे जानता हूँ? मैं अपने गंतव्य में जाने के बाद जाकर मुझे अपने पिता का नाम झूठ में कोई सम्रांत व्यक्ति के नाम या सम्रांत कुल के नाम बता सकता था? फिर भी इसने सत्य को मेरे सामने वैसे ही रखा जैसे सत्य है। सत्य निष्ठा, मुख पर सरलता, जिज्ञासा से भरा हुआ मन, क्या विद्या अधिकार के लिए पर्याप्त नहीं है? क्या सिर्फ सम्भ्रांतों का ही विद्या के ऊपर अधिकार है राजन? मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बेकार लोगों की बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राजन। सम्भ्रांत इसीलिए हम चुनते हैं कि वो अच्छा कर सके समाज के लिए। अगर कोई बिना सम्भ्रांत होते हुए भी अच्छा करता है तो सम्भ्रांत से भी ज्यादा प्रशंसा के योग्य है। फिर भी मैं ये बताता हूँ, सत्य की गोद में सत्य ही पलता है। इसके पिता सम्भ्रांत थे जरूर, नहीं तो ये सत्यनिष्ठा इसमें आएगी कहां से? क्या ये सही नहीं है राजन? मैं काशी के महाराज से ये जानना चाहूंगा। क्षमा का यज्ञ तो नहीं हूं ऋषिवर, लेकिन आपसे क्षमा चाहता हूं। उठो राजन, उठो। हमेशा याद रखना कि चोर का बल है झूठ कहना, छोटे बच्चे का बल है रोना, वो रोए तो लोग उसके ओर आकर्षित होते हैं। जैसे चोर का बल है झूठ कहना, नहीं तो पकड़ा जाएगा। इसी तरह से मूर्ख आदमी का बल है
वो कुछ नहीं कहता है, चुप रहता है, क्योंकि कहे तो पता चलेगा। राजा का बल है दंड प्रदान करना, इसी तरह से गुणवान व्यक्ति का बल है क्षमा प्रदान करना। पर इन्हीं लोगों को जो अपनी गलती को समझते हैं, जो इस धर्म के ठेकेदार जिस तरह से समाज को खाते हैं, उसी तरह से इनका व्यापार चलाने के लिए ये चलता रहा है, चलता रहेगा। पर सच्ची धर्म जो है, सच्ची निष्ठा जो मानविकता है, ये उसी तरह से चलता रहेगा, इसी की प्रतिनिधि आप करते रहेंगे। ये मेरी आपसे आकांक्षा है राजन। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हाय गाइस, प्लीज कीप अटेंशन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। वी हियर वी वांट टू क्लियर दैट we are not associated with any religion, caste or community, and we are not trying to propagate any particular philosophy, doctrine or principle, but and we have no intention to create or build our future or career in acting profession, but students from various fields like medical, UPSC, business administration, engineering or doctorate etc. are involved in it and trying to do their best just to create positive vibes in society and to create place in all of your hearts. That's all. And the story of Satyakam is a perfect example which expresses the highest wisdom of India. That's why we selected that. If you like, then like and comment, share and subscribe. Let's make it happen. Namaskar.